सो हाय गाइज, वेलकम टू ऑन दिस चैनल इंट्रेंस वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय 2023 बीएससी बायो के एंट्रेंस के बारे में। जी हाँ, लखनऊ विश्वविद्यालय 2022 के एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी मेमोराइज्ड है बच्चों के द्वारा बताया गया है, तो आज हम उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बीएससी बायो वाले जो बच्चे हैं 2023 एंट्रेंस देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा एंट्रेंस आसानी से क्लियर हो जाए, तो अगर आपको पाथ मालूम है तो आपका एंट्रेंस आसानी से क्लियर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, कितनी सीट्स हैं, क्या कॉम्बिनेशन है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि बीएससी बायो एंट्रेंस का 2023 का अब नया सिलेबस क्या है एंट्रेंस का, और 2022 में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से मेजर टॉपिक्स से क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री सॉरी बायो बॉटनी जूलॉजी और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस एंड मेंटल एप्टीट्यूड, इनसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नियर अबाउट 85 क्वेश्चंस 2022 के हमारे पास हैं जो कि बच्चों के द्वारा मेमोराइज्ड क्वेश्चंस थे और वो आज हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस को कवर करना बच्चों से एक बहुत बड़ा टास्क है अपने आप में। तो जो भी बच्चे हैं वीडियो को लाइक करना और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको एक बार शो जरूर करना, ठीक है, कर भला तो हो भला, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी बीएससी बायो का एंट्रेंस देना चाहते हैं बच्चे वो इसको ध्यानपूर्वक समझ लें। जितने मिनट की वीडियो होगी उतना मिनट वो अपना 100% दें इस वीडियो में, जिससे उनका कोई भी डाउट जो है बचे ना, यानी हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाए और आपका एंट्रेंस जो है आसानी से निकल जाए, ठीक है। अभी आपके पास नियर अबाउट जून जुलाई, लगभग आपके पास एक महीने से ज़्यादा समय है, तो आपका एंट्रेंस आसानी से निकल सकता है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हम यहाँ पे हाईलाइट वाला टर्म जो है क्लिक कर रहे हैं। तो बीएससी जो बायो लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस की जो सीट्स हैं वो 280 हैं, 280। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय में 280 सीटों पे लगभग बीएससी बायो के जो बच्चे हैं वो नियर अबाउट 5000 प्लस बच्चे एंट्रेंस देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों किसी भी बच्चे का एंट्रेंस में क्लियर ना हो। देखिए 280 जो सीट्स हैं ये कैंपस की हैं, बाकी जो अफिलेटेड कॉलेजेस हैं उसमें आपको अलग से, उसमें आपको उसी आपके जो नंबर आएंगे उसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। सो अगर आपको मेन कैंपस चाहिए तो आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा जिससे आपका एंट्रेंस आसानी से क्लियर हो जाए। तो टोटल सीट्स हैं 280, इसमें जनरल की 30%, ईडब्ल्यूएस की 10%, ओबीसी की 27%, इस प्रकार से सबका अपना अपना रिजर्वेशन है अलग अलग से। वो रिजर्वेशन की वीडियोस हमारी प्रीवियस वीडियोस पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे अप्लीकेबल रहती है, क्लियर। तो वो हम चर्चा बाद में करेंगे। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम रखी हुई है। लेकिन 2000 जो बच्चे इसको देख रहे हैं इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में बीएससी बायो का भी वीडियो देखना, 2022 का एक पर्टिकुलर हमने टीचर को बुला के बनवाया था उसको आप देख सकते हो, वहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो वो जो वीडियोज़ थे वो वीडियोज़ मास्टर इन जूलॉजी जो एक भैया थे उनसे बनवाए थे, और हम तो मास्टर इन फिजिक्स आए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल सीट्स आपकी 280 हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, आप ही देख सकते हैं जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो लिखे हुए हैं, आप केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके, हाँ देख सकते हैं फर्स्ट वन, हाँ ये आप केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ले सकते हैं। देखिए जब आपका बीएससी में एडमिशन हो जाएगा तो आपको दो मेजर एक माइनर लेना पड़ेगा, तीन सब्जेक्ट आपके होंगे, दो मेजर एक माइनर, तो इन में से कोई भी आप ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, तीनों में से आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका मनचाहा अगर कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आनी चाहिए। कितना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। सो केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी से आप बीएससी कर सकते हैं, और जूलॉजी बॉटनी और जियोलॉजी से आप जो है बीएससी कर सकते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन है हमारे पास जियोलॉजी और बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है।
सो नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है बॉटनी जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, आप इससे भी बीएससी कर सकते हैं। जिस बच्चों की जितनी ख़राब रैंक आएगी 280 में भी, तो उनको इसी प्रकार से कॉम्बिनेशन उनको मिल जाएंगे। आप जूलॉजी बॉटनी एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं, जूलॉजी केमिस्ट्री जियोलॉजी से कर सकते हैं, जूलॉजी जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी से कर सकते हैं। तो आपको अगर ZBC चाहिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना होगा, आपको अच्छी रैंक लाना पड़ेगा। क्लियर? इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है लिटरली। चलिए, सो आधे बच्चे यहाँ, बहुत बच्चे कह रहे होंगे सर हमको तो ये कॉम्बिनेशन आपने बता दिया है, लेकिन हम ऐसा क्या करें जो हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए। तो अभी हम बुक भी रिकमेंड करेंगे, सबसे लास्ट में बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं, तो जो भी बच्चे हैं उसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी जनरल एप्टीट्यूड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। ये आप देख सकते हो इधर साइड में, इसको हम दूसरे कलर से हाईलाइट कर दे रहे हैं। ओके ना, चलिए बेटा, ओके चलिए देखिए। सो आपको हमने बताया कि जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो पांच सब्जेक्ट आपके पास होंगे। अगर आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का एंट्रेंस देना है बीएससी बायो का, तो पांच सब्जेक्ट आपको अच्छे से बनाना है। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो तो हम चर्चा करने वाले हैं। केमिस्ट्री सबसे पहला क्या है, केमिस्ट्री, आफ्टर दैट तुम्हारा हो गया जूलॉजी और बॉटनी, मतलब जो आपके पास बायो थी क्लास 12th और 11th में, उसी को बोलते हैं यहाँ पे बॉटनी और जूलॉजी, मतलब उसी के अंदर के जो तो पार्ट हैं उनको यहाँ पे अलग अलग लिख दिया गया है। तो आप उस जो क्लास 11th 12th की आपने बायो पढ़ा उसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, तो उसमें आपका दोनों आ जाएगा, जूलॉजी और बॉटनी भी। फिर क्या आता है, मेंटल एप्टीट्यूड, थोड़ा सा बच्चे का माइंड भी चेक करते हैं कि किस प्रकार से उसका ब्रेन चल रहा है, कितना उसका फास्ट माइंड है, तो वहाँ पे लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से भी बेसिक्स क्वेश्चन कुछ होंगे छोटे छोटे, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो नियर अबाउट आप कहोगे सर कहाँ से ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपको हम बता देते हैं, तो नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस आपके बॉटनी और जूलॉजी से पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होंगे, और नियर अबाउट 25 में दो सब्जेक्ट होंगे, 25 क्वेश्चंस में दो सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से, आपका कंप्यूटर हो गया, बेसिक कंप्यूटर हो गया, मेंटल एप्टीट्यूड हो गया, दो यहाँ से आपके पूछ लिए जाएंगे। अब 12 14 कंप्यूटर से पूछे जा सकते हैं, 10 उससे पूछे जा सकते हैं, तो उन दोनों में ऐसे कम्बिनेशन रहेगा। अब ये क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम पैटर्न आप सभी को मालूम है, लेकिन हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं ताकि आप किसी सी चीज़ से वंचित ना हो पाए। सारे क्वेश्चंस MCQ होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के चार आंसर दिए होंगे, और ये ऑफलाइन होगा। अब आधे बच्चे कह रहे हो कहाँ पे सर इसका सेंटर जाएगा, जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है सेंटर लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में ही आपका जाएगा, ठीक है। सो ऑफलाइन ये क्वेश्चन ऑफलाइन होगा, आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड है नहीं ये, पेपर आपको एक दे दिया जाएगा, उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, 25 केमिस्ट्री के, 25 जूलॉजी, 25 बॉटनी और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर और किसके, मेंटल एप्टीट्यूड के। तो 100 क्वेश्चन होंगे, और ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो कितना मैक्सिमम मार्क्स हो गया, 200 मार्क्स हो गया। आपको समय मिलेगा 90 मिनट, मतलब 1.5 घंटा, यानी 1 मिनट से भी कम समय आपको एक क्वेश्चन पे दिया जाएगा। और अगला पॉइंट क्या है, देर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप 100 से 100 क्वेश्चन करेंगे, क्लियर है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम दूसरे पेज पे ले चलते हैं। अब हम बताते हैं कि 2022 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट। ओके सो देखिए यहाँ पे ध्यान से आप समझिए, ये अगर आपको पैटर्न मालूम हो गया ना, तो बहुत बड़ी बात है आपके आपके लिए, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देता नहीं है, लेकिन जिस जिन बच्चों ने लास्ट ईयर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए थे, उन्होंने टाइप किया था, उसी प्रकार हम तुरंत उसका मैसेज सेव कर लिए थे। हमने कहा था कि जो आने वाले जूनियर्स होंगे 2023 के, उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, तो आज हम उसको बनाए हैं, उसको ज़रा देखिए। बच्चों की यहीं पे जो है राइटिंग के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। इसमें स्पेलिंग एरर हो सकती हैं, क्योंकि हमने जस्ट वहाँ से कॉपी और पेस्ट किया है जो बच्चों ने टाइप किया था कि सर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 85 क्वेश्चंस सारे मिलके बच्चे, और आप बता दीजिए कि हमारा होगा सिलेक्शन या नहीं होगा, और या पेपर का लेवल देख लीजिए कि कौन सा ये लेवल है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग समझदार हैं, क्लास 11th और 12th पढ़े हैं, 10+2 का मतलब है क्लास 11th 12th दोनों से पूछा जाएगा, और पूछा भी जाता है।
सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम हाईलाइट इसको कर दे रहे हैं, ठीक है ओके। तो चलिए आप देखिए इसको, हाँ देखिए। सो यहाँ पे हम बताते हैं हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, क्लोरल एंड रिएक्शन विद द रिजेंट, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस थे। इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर ये सिल्वर साल्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये देख सकते हैं आप लोग हाइब्रिडाइजेशन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन और न्यूमेरिकल आरएलवीपी पे भी पूछा गया है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन चैप्टर से पहली प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की, वहाँ से भी एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, यानी क्लास 12th के पहले चैप्टर से सॉल्यूशन से। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पूछा गया कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऑफ KMnO4। आइडोफॉर्म रिएक्शन भी आई कि आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होती है, जो कि आप लोगों ने क्लास 12th में पढ़ा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने क्लास 11th में रिडॉक्स में पढ़ा। ट्रीटेड विद द सिल्वर पाउडर क्लोरर फार्मूला डिफेक्ट्स इन NaCl2 इज डायमैग्नेटिक, कि भाई नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकालने को आया कि डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू VBT भी क्वेश्चन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी आया, जो है क्लास 11th से और क्लास 12th से भी। फिजिबल रिएक्शन डेल्टा टॉलरेंस रिजेंट से क्वेश्चन आया था, इतना भी बच्चे अगर लिख दिए हैं तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए, इतने 85 क्वेश्चंस मेमोराइज कर लिए हैं। अब जब कहीं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना हो तब आपको अगर इतनी भी हिंट मिल जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप पढ़ने वाले हैं तो उसी के पाथ को फॉलो करते हुए आप एंट्रेंस निकाल सकते हैं ईजिली। अभी हम बताएंगे कि किस प्रकार का एंट्रेंस होता है, ठीक है, कितना वैसा होता है। ये देखो आ गया PDBSO4 वाली रिएक्शन, मतलब रोजनमंड रिएक्शन आ गई, आप रोजनमंड रिएक्शन यहाँ पे पूछ ली गई, जिसमें आप बेंजल्डिहाइड को फॉर्म करते थे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। हाइब्रिडाइजेशन तो अभी बताए ही थे, तो ये सब क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स आप सब टॉपिक्स इनके देख सकते हैं, और ये चीज़ आपको कहीं मिलेगी नहीं क्योंकि हमारे बच्चे ही मेमोराइज किए थे। बाकी कहने की क्या बात है, यहाँ से बहुत लोग कॉपी कर लेंगे और अब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो वो कॉपी ही करते रहेंगे क्योंकि हमारे चैनल पर क्या होता है बहुत कम वीडियोज़ मिलती हैं, लेकिन सारी वीडियोस आपको अच्छी मिलेंगी, डायरेक्शन वाली होंगी, कोई भी डायरेक्शन लेस नहीं होंगी, फालतू पैसा कमाना हमारा काम नहीं है इससे इतना ज़्यादा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कायरल कार्बन, कायरल कार्बन का मतलब क्या है, क्लास 12 से भी पूछ लिया गया, हेलो एल्केन हेलोरिन में अपने कायरल कार्बन क्लैरिटी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ H2O2, यानी H2O2 से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया, कार्बिलेमिन तो हमने बताया, कार्बिलेमिन से पूछा गया और बॉन्डिंग की उस पर हुआ। हम इसी के बेसिस पे एक सीरीज़ भी बना रहे हैं, अगर बन जाएगी तो हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ओके। हाँ ये देखो, फाई कैटायंस हैविंग मोर पोलराइजिंग पावर, इसके चार ऑप्शन दिए थे, मतलब फजान रोल से भी पूछ लिया गया और एक मोलैरिटी पे न्यूमेरिकल भी पूछ लिया गया छोटा सा कि नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इनटू द, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ MN एंड MnO2 एंड MnO4, यानी उसके में हाइब्रिडाइजेशन ही पूछा गया। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, क्लास 11th और 12th की कवरअप करना है केमिस्ट्री, बहुत ही वेरी क्विक, बहुत जल्दी, फास्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, इसलिए बने रहिए। चलिए अब यहाँ पे छोटा छोटा आपको दिख रहा होगा, लेकिन आई होप कि इसको आप समझने का प्रयास जरूर करेंगे। फ्रॉम जूलॉजी एंड बॉटनी, अब जूलॉजी और बॉटनी मुझे नहीं आती है, लेकिन बच्चों ने जो टाइप किया है वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप लोग 11th 12th तो पढ़े ही हैं, आप अपने हिसाब से इसको कवर अप कर लीजिए, ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चंस जो हैं ये 2022 के ही पूछे गए हैं, इतना भरोसा कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चंस में बच्चे ने एक पॉइंट भी लिखा है कि मोर क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी हायर क्वेश्चंस, यानी बायोलॉजी का जो सेक्शन था वो थोड़ा सा हाई लेवल का सेक्शन था, बच्चों द्वारा बताया गया है। इसमें से जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी पूछे गए थे, 3-4 बच्चों के नाम मुझे नहीं मालूम है, अर्पित करके नाम था उसका, हाँ, तो इन बच्चों ने जो है बहुत अच्छे ढंग से तुरंत मेमोराइज करके और टाइप किए थे। तो इसमें क्या क्या लिखा हुआ वो आप समझ लीजिए, क्योंकि बायो से मुझे मेरा कोई नाता नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन स्नेल क्या होता है वो तुम लोग जानो, और ये देखो पूरा पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे,
और यहाँ तक एक बच्चे ने टाइप किया था, दूसरा बच्चा यहाँ से टाइप करना स्टार्ट किया था कि ये पॉइंट्स क्या हैं। ये पॉइंट्स आप लोग पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके क्लियर कर लेना है। हर पॉइंट कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन फिर से बनाए जाएंगे। होता क्या है, जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो भी होते हैं किसी के भी काम में देखो, तो क्या होता है, जो लोग पिछला पेपर बनाते हैं उसी से मिलता जुलता फिर बना देते हैं यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कम मेहनत पे उसी काम हो जाता है। तो आप इसको देख लीजिए आप लोग, ये सब पॉइंट्स, ये जितना भी मटेरियल है आप इसको जो है ओपन करके बहुत अच्छे ढंग से इसको देखेंगे कि क्या क्या इसमें पूछा गया था 2022 के एंट्रेंस में। अगर इतना आप सही से कर लिए तो बहुत अच्छी अच्छी बात है ना। चलिए इसके बाद जो पॉइंट रहेगा तो बायो का आई थिंक कर लोगे, देख लोगे कहाँ से पूछा गया। बायो मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से कैसा टॉपिक है, लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस पता हो गया तो बहुत कुछ आपको मालूम हो गया। चलिए ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, तो हम जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ के लोग हैं उनसे हम बात करके वीडियो बनवा देंगे बायो के इन टॉपिक्स पे। नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है कि जो क्वेश्चंस हैं आप कंप्यूटर और मेंटल एप्टीट्यूड के, ये आप देख सकते हो, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। इनको थोड़ा हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यही चीज़ होती है। क्लास 6 से लगा के 8 तक अगर आप कंप्यूटर पढ़ लेते हैं तो आपके कंप्यूटर के बेसिक क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, क्लियर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या क्या पूछे गए हैं यहाँ पे क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं देखो, इसमें लिखा हुआ है इन विच ईयर चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द कंप्यूटर, द कंप्यूटर एडिंग मशीन वाज इन्वर्टेड। तो इस प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि इनका फुल फॉर्म बता दीजिए, वायरस का फुल फॉर्म बता दीजिए, 1 बाइट में 1 मेगाबाइट में कितने, या 1 MB में कितनी KB होती हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे आप मत घबराइए, ये अगर थोड़ा भी आप पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, नहीं तो आपको कैंपस नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा समझ सकते हो, जैसे मान लो आप जर्नल हो तो 280 सीट्स हैं, अगर आपकी 250 रैंक आ रही है तब भी आपको एडमिशन कैंपस में नहीं मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा। आप तो कह रहे हो 280 सीट्स हैं, तो भाई आपका जो रिजर्वेशन है वो 30% है, तो 280 का 30% आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना है, 80 आया कि 90 आया, उसके अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए। अगर उसमें आपकी रैंक है तो आपको कैंपस मिल जाएगा, लेकिन यकीन मानो पेपर का जो लेवल रहता है वो इजी रहता है, बस आपको एक बार कवरअप कर लेना है सिलेबस पूरा। हाँ, अगर पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, ये क्लियर है 100%। तो आपके पास 1-1.5 महीना है, उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, 1 byte कंटेंस IQ ऑफ कंप्यूटर स्मॉलेस्ट यूनिट, फुल फॉर्म ऑफ वायरस, चार्ज पेपर्स फ्रॉम ऑफ, है ना, ये सब सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, आप बिल्कुल देख सकते हो। 1 MB इज इक्वल टू द मॉडर्न कंप्यूटर KB, कब डेवलप हुआ, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, वायरस का फुल फॉर्म क्या है, ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, मेंटल एम्पटीट्यूड तो हमें बहुत अच्छे से मालूम, यहाँ पे हमने टाइप नहीं किया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेटेड एज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप उसको पढ़ सकते हो क्लास 8 की जो मैथ होती है, क्लास 8 में जो आप लोगों ने मैथ पढ़ा है, जिसको बोला जाता है अंकगणित, ठीक है, अर्थमेटिक मैथ्स, उसमें से आपको क्वेश्चन से जनरल एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे। स्क्वायर बना होगा, आप उसमें पॉइंट रखेंगे, तो ये मान लीजिए कि जो मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं वो आपके होना ही होना है, 10 क्वेश्चन, 10 से 8 तो आप कर ही सकते हैं, और 2 बचे उसमें आप क्या लगा सकते हैं, तुक्का लगाएंगे फिर, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अब इसलिए उसमें तुक्का लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप पढ़ाई अपनी कर लीजिए ताकि आपको कैंपस मिल जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए अभी थोड़ा सा और, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं आप लोग, जो बच्चों ने बोला है वो ये बोला है कि जितना भी NCERT मटेरियल है, जितना भी NCERT मटेरियल है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। तो 2021 का एंट्रेंस जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चंस ही आए थे, हमें याद है, बायोमालिक्यूल्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे और कुछ क्वेश्चन आए थे क्वांटम नंबर से, मतलब केमिकल बॉन्डिंग से कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। तो क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, देखो अब बहुत लोग क्या कहें, यूट्यूब पे बनाएंगे वीडियो कि इससे बाहर कुछ नहीं, यही आएगा आप पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब हवाएं हैं, ठीक है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं,
ठीक है, और क्वेश्चंस इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जो आपने क्लास 11-12 में आपने पढ़ाई किया है। और ऐसा कोई नहीं है बूस्टर जो तुमको पिला दे कि भैया लो हो गया आपका सिलेक्शन, सब अफवाहें हैं, सब पैसा बनाना बनाने का काम होता है। दूसरी चीज़ क्या है, तो बायो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पूछे गए थे क्वेश्चन, इसीलिए हमने डाल दिया है आपको। बायो मॉलिक्यूल्स भी याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल थ्योरी वाले, बहुत छोटे छोटे। और इंट्रेंस बुक भैया बहुत बच्चे कहें सर इंट्रेंस बुक बता दीजिए, और आप हमको ये बता दीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, तो हम उसको जो है उसी प्रकार से लेके चलें। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी हम बता देते हैं, हर साल वेरी होता है, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे ज़रूर। वेरी का मतलब क्या है, अगर टफ पेपर आ गया तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो चेंज हो जाएगी, अगर इजी पेपर हो गया तो कट ऑफ से ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन जो देखा गया है मॉडरेट, अगर आप जनरल हैं तो 55 क्वेश्चन अगर आप अटेंड कर ले रहे हैं सही सही, बिल्कुल राइट आंसर, तो आपका सिलेक्शन कैंपस में हो जाएगा, 55 ओनली बीएससी बायो में। हालांकि पिछली बार तो लगभग 162 टॉपर का गया था, यानी 81 क्वेश्चन उसके सही थे। ठीक है, अभी हम लिस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, उस पर डिटेल काम कर रहे हैं, उस पर अभी एक दो दिन में हम वीडियोस की देंगे। दूसरी चीज़ क्या है, बहुत से बच्चे एकदम कोई आइडिया उनको नहीं होता है और वीडियो देखना नहीं चाहते हैं और कहते हैं बोर हो रहे हैं, इस प्रकार से कुछ बच्चे होते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कुछ अदर स्टेट के बच्चे होते हैं, अदर जगह से होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम होता है कि यहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो उनके लिए हमने एक सुविधा दे रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आप लोग जो हमारे चैनल पर क्लिक करेंगे ज्वाइन बटन पर, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा 59 रुपीज़ का, उस पर आप अगर जब क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे 59 के पेमेंट करेंगे 59 रुपये का सिर्फ, तो आपको हमारा कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, आप डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन हमने आपको सारी स्ट्रेटजी बता दिया है। अब इसका हमने चार्ज क्यों रखा है 59, इसका हमारे पास एक मजबूरी है, अगर हम फ्री में नंबर दें तो फिर बहुत सारी नंबर्स ऑफ कॉल्स आएंगी और हम परेशान हो जाएंगे, इसलिए उसी बच्चे वही बच्चा सब्सक्रिप्शन लेगा जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा नीड होगी, अभी से लगा के लास्ट तक जब तक आपका एंट्रेंस होगा तब तक जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, 1 महीने, 2 महीने की, 2.5 महीने की भी आएगी, आंसर की आएगी, नहीं सिलेक्शन होगा, मेजर माइनर चूज करने में दिक्कत होगी, तो आप लोग 59 रुपीज़ का सिर्फ ले सकते हैं, तो आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं इजिली। और जो नहीं लेना चाहता है, हम फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभी होता है ऐसा कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत परेशान होते हैं कि भैया ये बता दीजिए वो क्या होगा, और कमेंट्स नहीं देख पाए बाई चांस, तो ये सब सारी क्वेरीज आपको वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जो है जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी कट ऑफ पे होगी, कट ऑफ जो लास्ट ईयर के बच्चों का कितना गया था कितना नहीं गया था वो सब हम चर्चा करेंगे उस वीडियो में, और आपको एक्सपेक्टेड हम कट ऑफ बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल को आप देखे हैं अभी तक, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर पुट करें, या इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे मुझे टैग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कर भला तो हो भला, आप अगर किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो आपके साथ अच्छाई होगी। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो आप चैनल पर लाइक ज़रूर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 10,000 की फैमिली हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गेट रेडी, बाय बाय, टेक केयर।